हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर्स में अपन एल्कोहल देख रहे थे, एल्कोहल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उनकी अपन ने निर्माण की विधियाँ देख ली थी कि एल्कोहल का निर्माण किन किन विधियों से किया जा सकता है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन, उसमें अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी कि एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। आज देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एल्कोहल की रिएक्शंस किस तरीके से की जा सकती है। देखो, आपके एल्कोहल की रिएक्शंस दो प्रकार से पॉसिबल होती है। फर्स्ट, एक तो आपके एल्कोहल की रिएक्शन देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, इसमें दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है आपके। फर्स्ट है कि मान लो आपके एल्कोहल है, एल्कोहल में आपके क्या है, इस तरीके से OH और एक तरीके से इस तरीके से देखने पड़ते हैं, दो प्रकार से यहाँ कार्बन चेन होगी, है ना। तो उसमें ये हो सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो। तो आपके जब एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शंस पॉसिबल। फर्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो, और सेकेंड है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो। तो ये दो प्रकार की पॉसिबिलिटी से आपकी क्या होगी, रिएक्शंस प्रोसीड होगी। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अपने फर्स्ट हेडिंग में लगा लेना, जिन रिएक्शंस में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शंस अपन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है आपके, अगर फर्स्ट रिएक्शन देखें तो अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एल्कोहल को अगर गर्म किया जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो क्या होता है, उससे एल्कीन प्लस H2O निकल जाता है, यानी कि H2O वाटर होगा जो बाहर निकल जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। किस तरीके से प्रोसीड होगी रिएक्शन आपके, मान लो इस तरीके से रिएक्शन है, अपने को क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करवाना। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसमें क्या, एक हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक हो जाएगा, या यहाँ से मान के एक मिनट, इस रिएक्शन को अगर अपन, ये है CH3CH2H, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया CHOH, इस तरीके से रिप्रेजेंट। अगर इसे गर्म किया जाता है तो मैंने कहा कि अपन पहले रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देन क्या बनेगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये बनेगा आपके CH2 और वाटर रिलीज हो जाएगा बाहर, प्लस वाटर। तो जब एल्कोहल की अपन केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर आपके क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें से फर्स्ट रिएक्शन है, उसको अगर हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो क्या बनता है अपने पास, एल्कीन प्लस H2O बनता है। फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई। सेकेंड रिएक्शन, अगर अपन एल्कोहल को किसी भी फॉस्फोरिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा अपना, है ना। तो देखो किस तरीके से करवाएंगे अपन, सेकेंड रिएक्शन है आपके, अगर एल्कोहल की रिएक्शन CH3CH2Br ये है, इसकी रिएक्शन करवा रहे, सॉरी एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रहे, तीन मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं, प्लस आप ले रहे हो PBr3। ओके, PBr3 के साथ इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा आपके, CH3CH2Br, तीन मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे आपके, और इसमें से रिलीज क्या होगा, तीन ऑक्सीजन O3H3 यही बनेगा। ओके, तो ये बनेगा आपके प्रोडक्ट, नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा और आपके हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब अपन एल्कोहल की रिएक्शंस किसी भी फॉस्फोरिक हेलाइड के साथ करवाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ PX3 लिख देना, PX3 और PX3 एक्स की होगी, वो एक्स क्या होगा आपका, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है ना। क्लोरीन कम होता है, यानी कम केस में लिया जाता है, क्लोरीन नहीं रिएक्ट करता, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन मोस्टली रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये अपने पास क्या बनेंगे, फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण होगा, साथ में अपने को हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कोहल से हैलाइड का निर्माण किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे अपन, किसी भी फॉस्फोरिक हैलाइड की प्रेजेंस में अपने पास हैलाइड का निर्माण होता है। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन अगर थायरिन क्लोराइड के साथ करवाई जाए, है ना, SOCl2 के साथ, थायरिन क्लोराइड क्या हो गया, SOCl2 हो गया, तो उसके साथ अगर रिएक्शन करवाए एल्कोहल की, तो क्या मिलेगा अपने को, अगर एल्कोहल की रिएक्शन थायरिन क्लोराइड के साथ करवाए जाए SOCl2, तो क्या प्राप्त होगा, एक बार खुद से ट्राई करना कि इसमें आपके थायमिन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है। ओके, इजी है ये भी। इसमें क्या मिलेगा आपको, देखो इसके अंदर क्या हुआ, पहले बॉन्ड ब्रेक करवा लो यहाँ से, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा CH3 CH2, और ये मिल गया Cl, यानी कि आपको एक Cl मिल गया यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएगी SO2 गैस फ्री फॉर्म में, और क्या मिल जाएगा HCl मिलेगा। ओके, जब अपन एल्कोहल की थायमिन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड मिलता है, SO2 गैस मिलती है, और HCl मिलती है। HCl भी क्या होती है, गैसिक होती है, प्योर फॉर्म में HCl गैस होती है, बट आपके लिक्विड फॉर्म में भी होती है। ओके, तो ये गैस भी होती है और लिक्विड भी होती है। ओके, तो ये फॉर्म होता है कि SO2 तो रिलीज हो जाएगी, नीचे सॉल्यूशन में क्या रहेगा आपके, एल्किल हैलाइड रहेगा और HCl रहेगा। ओके, तो ये रिएक्शंस होती है आपके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपन किसी भी, अब अपने पास पहले रिएक्शन थी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करवाए, अब देखेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, तो नेक्स्ट रिएक्शन हो गई अपनी, जिस रिएक्शन के अंदर, जिस रिएक्शन में क्या हो, एल्कोहल की O और H का बॉन्ड ब्रेक हो, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन अपन देखेंगे। ओके, अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, अपन ने वो रिएक्शन देख ली जिसके अंदर आपके क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर आपके क्या हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, यानी कि कौन सी रिएक्शन, ये हो गया आपका एल्कोहल था, इसमें से क्या हो आपके ये बॉन्ड ब्रेक हो, वो रिएक्शन अपन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है, अगर एल्कोहल की रिएक्शन किसी धातु की प्रेजेंस में करवाई जाए, यानी कि सोडियम की प्रेजेंस में करवाया जाए, तो अपने को क्या मिलता है, सोल्ट प्राप्त होता है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गए आपके, अगर ये हो गया एल्कोहल CH3 CH2 OH हो गए, इसके रिएक्शन अपन किसी धातु की प्रेजेंस में करवाए, यहाँ मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल इसके लिए लिए, दो ही इसके लिए लिए। ओके, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल बराबर लिए, अब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH, यानी कि सॉल्ट का प्राप्त होता है, सॉल्ट मिल जाता है, और साथ में क्या निकल जाएगी अपने पास, 2H+ रिंग हो जाएगी। ओके, तो ये मिलता है अपने पास, यानी कि अपन बोल सकते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, H2 गैस मिलती है, साथ में अगर सोडियम, अगर एल्कोहल की रिएक्शंस सोडियम यानी किसी धातु की प्रेजेंस में किया जाए, यानी कि क्रियाशील धातु की प्रेजेंस में करवानी है रिएक्शंस, क्रियाशील धातु की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाने पर अपने को सॉल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर अपन एल्कोहल की किसी भी एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ करवाएं तो क्या होगा, अपने को एस्टर का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी में लिख देती हूँ मैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ हो गया सेकंड रिएक्शन है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल की, एसिटिल क्लोराइड कौन सा हो गया अपना, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, तो क्या होगा इसके अंदर, अपने को क्या करवाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करवाना है, तो इसमें क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, और इसमें किस तरफ करेगा, इस तरफ मूव करेगा, यानी कि Cl- के रूप में निकलेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O+ चार्ज, और ये हो गया प्लस Cl-, और अगर इससे ब्रेक करवा रहे हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 ऑक्सीजन माइनस चार्ज आएगा, ये आपका H+। ओके, तो यहाँ से प्लस वाली स्पीसीज तो किसके साथ बॉन्ड बना लेगी, क्लोरीन के साथ, और आपके ऑक्सीजन वाली किसके साथ बना लेगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ओके, ये प्रोडक्ट बनता है अपने पास एस्टर का निर्माण, और साथ में क्या बनेगा, HCl। ओके, जब अपन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं एल्कोहल की, तो अपने पास क्या होता है, H2+ HCl बनता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन से अगर एनहाइड्राइड ले, एसिटिल क्लोराइड की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड ले, तो क्या बनेगा,
सेम रिएक्शंस है, बस वहाँ ब्रेक करवाना है आपको और उसमें प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। अगर अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। दोनों में से आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करवाना है, कोई सा भी करवा सकते हो क्योंकि यह सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, कैसे भी करवा सकते हैं, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं या ये बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या मैं ये बॉन्ड ब्रेक करवा रहे थे, इसमें क्या क्या हमारे साथ रहेगा, तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस C डबल बॉन्ड O और यहाँ जाएगा O माइनस और ये हो गया CH3। ओके, ये बनेगा। अब इससे ब्रेक करवा रहे हैं तो क्या होगा, आपके ऑक्सीजन माइनस और एच प्लस, तो एच प्लस वाला किससे बनाएगा बॉन्ड इससे, और प्लस वाला इससे बना लेगा, तो क्या बनेगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। तो ये क्या होगा, एस्टर का निर्माण हो गया वापस से अपने पास और प्लस CH2 और ये हो गया CH3। ओके, प्लस क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया CH2। ओके, तो ये होता है अपना जब अपन एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं अल्कोहल की, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड से करवाएं रिएक्शंस, इसकी अल्कोहल की एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड बनने वाला है इसमें, देखो। ओके, अगर अपने पास आर सी एस टू ओ एच है, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, तो ये हो गया ये होता है एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड बीआर। ओके, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड की रिएक्शंस करवा रहे हैं अल्कोहल की, तो अपने पास क्या मिलने वाला है, यहां से एल्डिहाइड बनेगा आर सी एच ओ प्लस एच बी आर प्लस सक्सेनेमाइड है ना, तो ये सक्सेनेमाइड हो गया। और ये हो गया सक्सेनेमाइड NH। ये प्रोडक्ट अपने को बनता है, पहले क्या होता है, इसमें से यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अपने पास HBr, फिर ये क्या करेगा, यहाँ एड होगा, एड होने के बाद में इसमें क्या होगा, रिअरेंज होगा, रिअरेंज होने से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जो सक्सेनेमाइड अपने पास इजीली बाहर निकल जाता है और अपने पास क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, जब अल्कोहल की सक्सेनेमाइड से रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है और सक्सेनेमाइड मिलता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर अल्कोहल का अपन ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या बनेगा, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, देन फिर बनता है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, देखो अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, यहाँ CH2OH रखें, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण आपका किसकी प्रेजेंस में होगा, कोई भी ऑक्सीडाइज रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण होगा, जैसे KMnO4 ले सकते हैं, H2O2 ले सकते हैं, प्रोक्साइड ले सकते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस क्या होगी आपके पास, RCHO बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, देन फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण फिर से वापस से ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक, बस यहाँ आगे रुक जाएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण। फिर अगर और फर्दर क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं या यहाँ से अगर अपन हीट करें इसे, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, तो ये होता है ऑक्सीकरण का प्रोसेस, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड से मिलता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से वापस से इसे गर्म किया जाता है या ऑक्सीकरण किया जाता है, तो अपने पास क्या मिलता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ओके, तो ये होता है अपना प्रोडक्ट। तो ये हो गई रिएक्शंस, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, देखो ये तो आपके प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण था, अगर अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएं, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास इजीली अपने को एल्डिहाइड बन जाता है। अब अगर अपन सेकेंडरी अल्कोहल लें, है ना, ये हो गया CHR OH, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल ये हो गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का अपन क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कीटोन बनता है अपने पास। ओके, तो ये बन गया कीटोन।
ध्यान रखना प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को एल्डिहाइड बनता है, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, कीटोन बनता है। अब अगर यहाँ ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो केमेनोफोर हो सकता है आपके रिएजेंट, केमेनोफोर प्रोक्साइड हो सकता है, और एनब्रोमोसक्सिनेमाइड भी हो सकता है, ये भी ऑक्सीकरण ही करवा रहा था। देखा अपन ने वो एल्डिहाइड बना था, वो ऑक्सीकरण ही तो हुआ है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी, तो ये भी ऑक्सीकरण ही करवाता है। ओके, अगर ये रिएजेंट दिए गए हैं, अगर प्राइमरी एल्कोहल में दिए गए हैं तो आपको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल में दिए गए हैं ये रिएजेंट तो क्या करना पड़ेगा, अपने को कीटोन बनाना पड़ता है। कभी कभी Ag2O भी आ जाता है, ये भी ऑक्सीकरण ही करवाता है। ओके, तो ये थी अपने पास केमिकल रिएक्शंस। अपन ने अब सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन से देखते हैं, प्राइमरी एल्कोहल की तो अपन ने कंप्लीट करी, सेकेंडरी एल्कोहल का क्या करवाया, ऑक्सीकरण। अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं अपन। देखने वाले हैं एल्कोहल के टेस्ट की, यानी कि आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उनके अपन टेस्ट किस तरीके से करते हैं, कैसे पता लगाएं कि आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है। ओके, तो इसके लिए आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो आपका विक्टर मेयर टेस्ट होता है, एक होता है लुकास टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है कि अगर अपन एल्कोहल की रिएक्शंस किसके फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं, देन फिर AgNO3 के साथ करवाते हैं, फिर HNO3 के साथ करवाते हैं, फिर NaOH के साथ करवाते हैं, तो जो भी अपना सॉल्यूशन बनता है, जो भी रिएक्शंस होती है, कई एक प्राइमरी एल्कोहल रिएक्शंस तो क्या होगी, कंप्लीट प्रोसीड होगी, सेकेंडरी नहीं हो पाएगी, टर्शियरी तो और भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपन 1 by 1 देखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल में, है ना। तो अपने पास होता है विक्टर मेयर टेस्ट, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनके लिए वो टेस्ट होते हैं आपके विक्टर मेयर टेस्ट, है ना। फर्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। सेकंड है आपका लुकास टेस्ट, है ना। फर्स्ट टेस्ट देखने वाले हैं अपन विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है कि अगर अपन एल्कोहल की रिएक्शंस फास्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, देन अपन AgNO2 के साथ करवाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक NO2 ऐड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर अपन क्या करवाते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा ना, तो फिर अपन अगर किसी AgNO2 के साथ करवाएंगे, फिर अपन किसके साथ करवाएंगे, उसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो अपने पास विक्टर मेयर टेस्ट के लिए अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है, एल्कोहल की पहचान करने के लिए कि आपके पास एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी एल्कोहल है, उसकी पहचान करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, सेकंड होता है आपके लुकास परिरक्षण, यानी कि लुकास टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में अपने पास है प्राइमरी, अगर अपन फर्स्ट रिएक्शन लिख रही हूं मैं एल्कोहल की, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल के लिए, ओह अच्छा ना, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शंस मेरे पास है CH3 CH2OH है, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा अपने पास, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है CH3CH2 और आयोडीन। ओके, फिर वापस से इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाएं, AgNO2 के साथ करवाते हैं, AgNO2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3 AgA बाहर निकल जाएगा, CH2 और ये NO2 बन जाएगा। वापस से क्या करवा रहे हैं, HNO2 के साथ करवा रहे हैं, HNO2 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो यहाँ से 2 H2 बाहर निकलेंगे, दोनों H2 बाहर निकलेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा है ना, तो क्या बनेगा, इसमें एल्कोहल बन जाएगा, सॉरी वाटर निकल जाएगा बाहर, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा और ये NO2 यहाँ बन जाएगा ना। अगर वापस से इसकी रिएक्शन, यानी कि वापस से इसकी क्या करवाएं, रिएक्शंस करवाएं NaOH की प्रेजेंस में, तो NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। नाइट्रोलिक एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड में से क्या किया अपने, H2 रिमूव किया, तो अरे तो ये क्या बन गया अपने पास, सोडियम नाइट्रोलिक बन गया, ये रेड कलर का होता है ना, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड NO NA बन गया और ये हो गया NO2, तो ये हो गया रेड कलर की।
होती है, इसका रेड कलर प्राप्त होता है। जब ये टेस्ट करते हैं अपन तो यहाँ रेड कलर का लास्ट में अपने को मिलता है, तो अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा प्राप्त हुआ अपने पास, प्राइमरी एल्कोहल होता है। देखो प्राइमरी एल्कोहल का कलर अलग आएगा, सेकेंडरी का अलग आएगा, टर्सरी का अलग आता है ना, क्योंकि रिएक्शन टर्सरी एल्कोहल में तो प्रोसीड ही नहीं होती, यानी आपके रुक जाती है ना, क्योंकि आगे कोई उसके पास कार्बन में कोई स्पेस नहीं होता है कि वो रिएक्शन करवा सके। तो प्राइमरी एल्कोहल के अंदर क्या हुआ, अपने जब फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। एल्किल हैलाइड के निर्माण में अगर एजीन और टू के साथ करवाए तो अपने पास क्या मिलता है, ये ग्रुप मिलता है CH3CH2 की AZI, तो बाहर निकल जाएगा। फिर वापस से एच एन ओ टू के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड प्राप्त होता है। नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अगर एनएओएच की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि आपके पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल में रिएक्शन कैसे होती है। देखो रिएक्शन करवाने में पता चल जाता है कि कौन सा एल्कोहल है, जब ये टेस्ट करते हैं तब पता चलता है। तो सेकेंड टेस्ट है अपना सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। ओके सेकेंडरी एल्कोहल का एक बार ट्राई करना, और इसी तरीके से ये केमिकल रिएजेंट होंगे, कुछ नया नहीं होगा उसमें भी यही होगा है ना, लेकिन बस आपके जो सॉल्यूशन बनेगा लास्ट में वो किस कलर का बन जाएगा, आपके ब्लू कलर का प्राप्त होता है। तो ब्लू कलर से अपन पहचान लेते हैं कि आपके क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है। तो अपन ने क्या किया, सेकेंडरी एल्कोहल लिया, सेकेंडरी एल्कोहल क्या ये होता है OH H और ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं अपन फॉस्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनेगा यहाँ से R CH R ये आयोडीन है ना, ये बनेगा। वापस से क्या करेंगे इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाएं, AgNO2 के साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा, Ag बाहर निकल जाएगा, NO2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया RCHNO2 और ये हो गया R। अब वापस से क्या करवाएं इसकी रिएक्शंस, HNO2 के साथ रिएक्शंस करवाएं, HNO2 के साथ रिएक्शंस करवाएं, तो अब क्या होगा यहां पे स्पेस नहीं है, ऐड तो होगा, किस तरीके से होगा, यहां से H2 रिमूव हो जाएगा वापस से, तो R ये हो गया N डबल बॉन्ड OH है ना, ये बनेगा। ओके डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, यहां से H2 रिमूव हो गया, ये हो गया NO2 और ये हो गया आपके R। ओके तो ये बन गया। अब वापस से इसकी NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए अपन, मेरे पास स्पेस नहीं है थोड़ा तो नीचे लिख देते हैं, अगर NaOH के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव नहीं होगा, जगह नहीं है, अगर अपन यहाँ से Na+ से ही करवाएं तो अपने पास ये बन सकता है R, यानी कि अब ये आगे रिएक्शंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर निकलना चाहिए, वाटर नहीं निकल रहा बाहर, तो ये किस कलर का हो जाएगा आपके, ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का प्राप्त होता है, ब्लू कलर का, और ये होता है स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड है ना, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड प्राप्त होता है, ब्लू कलर का प्राप्त होता है, और यहीं आके ये स्टॉप हो जाती है रिएक्शंस, क्योंकि आगे प्रोसीड नहीं हो रही है। देखो सेकेंडरी एल्कोहल की अगर फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हैलाइड्स बनेगा, हैलाइड्स को अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो AgI तो बाहर निकल जाएगा, NO2 ऐड हो जाएगा, फिर वापस से HNO2 के साथ रिएक्शन, वाटर तो रिलीज हो जाएगा लेकिन अपने पास एन डबल ऑक्सीजन, ये इस तरीके से स्यूडो नाइट्रोलिक बनेगा, यानी कि नाइट्रोलिक एसिड में तो क्या था अपने पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था और यहाँ OH था तो इसे नाइट्रोलिक एसिड बोल रहे थे, बट यहाँ क्या है आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो स्यूडो बोलेंगे अपन, यानी कि आभासी नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। तो ये इस सॉल्यूशन का कलर आता है ब्लू कलर प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन अब आगे प्रोसीड जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से वाटर रिलीज नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन आगे फर्दर होगी ही नहीं। ओके तो प्राइमरी एल्कोहल में अपने पास रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है अंत में, और जबकि सेकेंडरी एल्कोहल का ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ओके विक्टर में टेस्ट करवाने पर अब देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस करवाएं, यानी कि टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शंस करवाएंगे, यही होंगे केमिकल्स। ओके एक बार उससे ट्राई करो, ये भी अगर 3 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं अपन तो 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, R CH R और ये R, कोई ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल टेस्ट है ना, तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप लिए हैं, यहाँ से करवाएं फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाएं तो क्या बनेगा अपने पास, R R डबल डेस और ये R ट्रिपल डेस और यहाँ से क्या मिल जाएगा, हैलाइड्स का निर्माण। वापस से किसके साथ करवाएंगे, इसके AgNO2 के साथ
से करवाएंगे या करवाएंगे या NH2 NO2 के साथ रिएक्शंस। तो ये बन गया अपने पास R NO2 प्लस R डबल डेस डेस ये है। अब इस रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी अगर इसके HNO2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो HNO2 की प्रेजेंस में आगे रिएक्शंस नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ कोई फ्री आपके पास कोई हाइड्रोजन एड नहीं है कि उसे हटा सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट क्या है एल्किल समूह, एल्किल समूह में यहाँ एल्किल है तो कार्बन आएगा। जब बॉन्ड की बात की जाती है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपके, जब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग है, किसकी कंपेयर कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की कंपेयर करें तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है ये वीक हो गया। तो अगर HNO2 के साथ रिएक्शन आगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी आगे नहीं हो पाएगी तो ये रिएक्शन यहीं आके स्टॉप हो जाती है। ओके तो ये हो गया अपना 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन की किस तरीके से होती है। इस रिएक्शन में अपने को क्या मिलता है यहाँ ये HNO2 के साथ आगे नहीं हो पाएगी यही आगे स्टॉप हो जाएगी तो ये कौन सा था अपने पास व्हाइट कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा है ना, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये हो गए अपने पास विक्टर में टेस्ट होता है आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि कौन सा आपके पास एल्कोहल है। एक बार समराइज कर देते हैं वापस से जब अपन एल्कोहल की पहचान की बात करते हैं कि आपके पास कौन सा एल्कोहल है तो अपने पास दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, लुकास टेस्ट किया जाता है और विक्टर मेट टेस्ट किया जाता है। विक्टर मेट टेस्ट को अपन वापस से मैं समराइज कर देती हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए है और ये 2 डिग्री एल्कोहल के लिए है और ये 3 डिग्री एल्कोहल के लिए है। ओके पहले अपन ने क्या किया 1 डिग्री एल्कोहल लिया ये लो ले लिया अपन ने CH3CH2OH इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाई फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाई तो क्या बना है एल्किल आएगा पर हैलाइड बना था CH3CH2 आयोडीन बन गया। वापस से क्या किया था इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शंस करवाई थी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये लो करवा दी CH3CH2 ये NO2 ओके। फिर वापस क्या किया इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये लो करवा दी वापस से CH ये बना और ये हो गया NO2 नाइट्रोलिक एसिड। फिर वापस से क्या किया था NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी इसकी तो अपने पास मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कलर लिख देती हूँ कि रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था ना तो यहाँ से आगे स्लो हो गई रिएक्शन सर है ना। अब इसी तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल की करवाते हैं तो क्या हुआ सेम है CH3CHOH और ये हो गया CH3 ओके फॉस्फोरस प्लस आयोडीन तो ये बन गया हमारा हैलाइड्स। वापस से क्या किया AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये बन गया अपने पास CH3CHONO2 और ये हो गया CH3। अब वापस से इसकी किसके साथ HNO2 के साथ करवाते हैं रिएक्शन स्यूडो बनेगा स्यूडो नाइट्रोलिक बनेगा। स्यूडो नाइट्रोलिक क्या है आपका किस कलर का आया था आपके ब्लू कलर का है ना तो ये मैंने डायरेक्ट ब्लू कलर लिख देती हूँ कि यहाँ ब्लू कलर प्राप्त होता है। जब अपन हाइड्रोलिक इसमें इस सॉल्यूशन में HNO2 डालते हैं तो डायरेक्ट अपने पास ब्लू कलर प्राप्त होता है। ब्लू कलर से अपने को पता लग जाता है कि कौन सा आपके पास आया। अगर यहाँ तक अपन 1 डिग्री एल्कोहल को यहाँ तक करवाते हैं कि यहाँ से इसमें HNO2 डालते हैं अपने पास व्हाइट कलर का सॉल्यूशन नहीं आएगा रेड कलर का सॉल्यूशन आएगा ना इसमें कोई कलर नहीं दिखेगा। फिर बाद में अपने को NaOH डालते हैं ब्लू अगर रेड कलर का सॉल्यूशन यानी कि रेड कलर आ जाता है तो अपन बता देते हैं कि इसमें क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा जबकि 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा अपन इसके अंदर HNO2 डालते ही क्या प्राप्त होगा आपके ब्लू कलर प्राप्त होता है। ओके तो ये रिएक्शंस यहीं होके समाप्त हो जाती है यानी कि रुक जाती है ये रिएक्शंस। आगे 3 डिग्री एल्कोहल में क्या किया अपने CH3 ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल इसकी रिएक्शंस करवाई फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के प्रेजेंस में तो ये हैलाइड बना Cl और फिर से अपन ने क्या किया इसकी रिएक्शंस किसके AgNO2 के साथ करवाते हैं आगे नहीं होगी बस ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी।
क्योंकि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन आगे फर्दर नहीं हो पाती है। NO2 ये हो गया CH3। अब ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, ओके आगे ये भी नहीं होगी। यहाँ कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर प्राप्त होता है, ओके ये होता है विक्टर मेन टेस्ट। अगर ओवरऑल देखा जाए विक्टर मेन टेस्ट क्या है, आपके एल्कोहल की पहचान करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है विक्टर मेन टेस्ट होता है, यानी कि अगर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करें तो ये टेस्ट होते हैं अपने पास। उनके रिएक्शंस अगर फॉस्फोसाइडिन और HCNO2 के साथ करवाई जाती है तो अपने को पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा एल्कोहल होता है। प्राइमरी एल्कोहल में रेड कलर प्राप्त होता है, सेकेंडरी एल्कोहल में ब्लू कलर प्राप्त होता है और आपके टर्सरी एल्कोहल के अंदर व्हाइट कलर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लुकास टेस्ट, ओके आज के लिए काफ़ी है।